गैस आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में तो आज हम कर रहे हैं कंपैरिजन दो ऐसी स्मार्ट वॉचेस के बीच में जो तो काफी सिमिलर टू प्राइसिंग आपको देखने को मिलती है हम बात कर रहे हैं अमेजफिट स्विथ बी प्यू वर्स नॉइज एक्टिव ये दोनों ही वॉच की जो प्राइसिंग है वो साढ़े तीन हज़ार रुपये आपको देखने को मिलती है फिलहाल अभी, अभी अभी आप नोटिस करेंगे तो थोड़ी सी प्राइसिंग बढ़ा दी है बट जब भी सेल वगैरह आएगी तो साढ़े तीन हजार रुपये के प्राइस पॉइंट पर मिलती है बट आप लोगों के लिए कौन सी बेहतर रहेगी तो वो हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देंगे बट उससे पहले आप लोग एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए तो शुरू करते हैं तो यहां पे मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड और के बारे में। तो, तो कार्बोनेट की देखने को मिलती है थोड़ा सा यहाँ पे आपको नॉइज एक्टिव मेटलिक टच देखने को मिलता है, है ही बट फील आपको मेटलिक वाला देगा बट अगर वहीं आप अमेज फीट पर देखेंगे तो वो आपको प्योर प्लास्टिक फील देता है और लाइट वेट भी है यहाँ पे थर्टी ग्राम वेट आपको देखने को मिलेगा बीपीयू में और वहीं अगर आप इस इसमें देखेंगे तो फोर्टी ग्राम का वेट आपको मिलता है एक्टिव में इसके अलावा स्ट्रैप की बात करूँ तो ये सिलिकॉन के आपको दोनों में मिलते हैं बट यहाँ पे जो एक्टिव है इसमें स्ट्रैप्स थोड़े बड़े आपको देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू तो अमेज फिट बीपी कंपेरेटिवली तो बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एक चीज अच्छी लगी कि एक्टिव जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड है और ज्यादातर वो मेन्स के ऊपर सही लगेगी सर्कुलर डायल भी है वो ज़्यादा इंप्रेसफुल रहेगी वहीं अगर बात करूं मैं अमेज फिट बी की तो स्क्वायर डायल में देखने को मिलती है और मोस्टली लाइट वेट है तो ज़्यादातर लड़कियों के हाथ पे सही लगेगी क्योंकि डायमेंशन भी बहुत छोटा आपको देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू एक्टिव ये तो बात होगी डिवाइस के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बट बात आती है डिवाइस के हार्डवेयर को लेके तो यहां पर अमेजफ्ट बीपीओ में आपको 1.43 पॉइंट फोर थ्री इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले इन्होंने यूज किया है जिसका रिजोल्यूशन जो है थ्री ट्वेंटी इंटू थ्री जीरो मिलता है वहीं एक्टिव में आपको वन पॉइंट टू एट इंच का टी एफ एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलता है और उसका रिजोल्यूशन भी कम है एज कंपेयर टू दिस यहां पर टू फोर्टी इंटू टू फोर्टी आपको देखने को मिलता है अब अगर मैं डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो नो डाउट अमेज फिर बी का डिस्प्ले ज्यादा बेहतर दिखता है लुक के मामले में कलर एक्सपीरियंस भी आपको ज्यादा इंप्रेसिव दिखेंगे एज कम्पेये टू एक्टिव और अगर बात आती डिवाइस की बैटरी

बीस एम एच की बैटरी देखने को मिलती है बट जब प्लेबैक की, की बात आती है तो दोनों का का रहा मतलब रहा तो कुछ इस तरह का बैटरी परफॉर्मेंस आपको डिवाइस में मिलेगा यहां पर सेंसर्स की बात करूं तो सेंसर दोनों ही डिवाइस में काफी सिमिलर आपको देखने को मिल जाते हैं थ्री एक्स एक्सलमीटर सेंसर मिल जाता है एचआर सेंसर मिल जाता है एसपी सेंसर देखने को मिल जाता है तो ये तो डिवाइस के हार्डवेयर को लेकर अब बात आती है परफॉर्मेंस क्या डिफरेंस देखने

एक्यूरेट लगा एस कम्पेयर टू एक्टिव बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं दस एक स्टेप का डिफरेंस तो आता है क्योंकि वो मोशन सेंसर है और थोड़ा दोनों ही में मिल जाती है दोनों ही की परफॉर्मेंस काफी सिमिलर और काफी एक्ट मुझे मिली पे। अगली बात आती है पे में स्ट्रेस तो मॉनिटरिंग है मुझे काफी दिक्कत हुई थी मैंने एक्टिव का वीडियो भी बनाया ने नहीं, नहीं देखा तो कार्ड में एड कर दूंगा वहां भी मैंने ये चीज मैं थी कि स्ट्रेस मॉनिटरिंग वाले फीचर में थोड़ा सा बग है जहां पर बार 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 एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है आपकी स्क्रीन पर अनोइंग मुझे यहाँ पर लगा वही बात करूं अगर फिर बीपी की स्ट्रेस मॉनिटरिंग की तो मुझे उतनी या एक्यूरेट नहीं लगी कभी ज्यादा कभी कम तो वो थोड़ा सा मुझे लगा और एक थोड़ी सी दिक्कत मुझे अमे स्टीड बीपी की लगी सभी चीज में बहुत टाइम लेता है रीडिंग्स में काफी टाइम लेता है ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लगा इसके अलावा दोनों ही डिवाइस में आपको ब्रीदिंग स्टॉप वॉच अलार्म और वेदर की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है वहीं अगर बात डिवाइस में म्यूजिक कंट्रोल और कैमरा कंट्रोल को लेकर तो दोनों ही वॉचेस में आपको म्यूजिक कंट्रोल तो देखने को मिल जाता है बट कैमरा कंट्रोल आपको केवल अमेज स्ट्रीट बीपी में देखने को मिलेगा वो आपको एक्टिव में देखने को नहीं मिलेगा एक और फीचर जो अमेज फीट बीपी में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक वाला फीचर प्रोवाइड कर रखा है जो कि आपको एक्टिव में देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीड कर जाता है दोनों ही वॉचेस में आपको वॉच ऑप्शन मिल जाता है आप कस्टम वॉलपेपर वगैरह भी लगा सकते हैं बट पे अमेज फिट बीपी में 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 आपको ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे एज टू एक्टिव इसके अलावा बात डिवाइस एक और यूएसपी के बारे में, तो यहाँ पे दोनों ही डिवाइसेस में कॉल अलर्ट और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं बट कॉल अलर्ट में अमेज फिट बीपी में एक ऑप्शन आपको और देखने को मिलता है आप से अपने फोन को म्यूट कर सकते हैं ये ऑप्शन आपको एक्टिव में देखने को नहीं मिलता अगर कॉल वगैरह आ रहे हैं और अगर आपको अपने फोन को म्यूट करना है रिंग टोन को बंद करना है तो वो फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा एक्टिव में क्या दोनों ही डिवाइस अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो दोनों डिवाइस एप्लीकेशन काफी

ट कर सकते हो तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा नोटिफिकेशन व्हाट्सएप से वो चीज आपको एक्टिव में देखने को नहीं मिलता तो ये थोड़ा सा हाँ तो तो परफॉर्मेंस के मुकाबले में थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीपी लीड कर जाती है बट लुकिन फिल के मामले मुझे कहीं कहीं एक्टिव ज्यादा बेहतर लगी एस कम्पेयर टू तो अमेस्वी खैर मैंने सारी डिटेल्स में चीजें एक्सप्लेन कर दी आपको होपुली आपको समझ में आ गई कि आपके लिए कौन सी वॉच बेटर है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं दोनों डिवाइस को वहां से मिल जाएगी ज्यादा आप लोगों को इफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना कमेंट शुरू करना अगर आपको और कुछ क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फिलहाल करेंगे जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए एक्सप्लोर के साथ।